मतदाताओं का मानस और झुकाव गांव के विकास के लिए शिक्षित एवं युवा महिला शक्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। युवा और महिला वोटर खुलकर युवा सरपंच बनाने के समर्थन में एकजुट नजर आए। 2964 मतदाताओं वाली इस ग्राम पंचायत में 6 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रही है। इस ग्राम पंचायत का क्षेत्र आसरवाव रायथलिया से युवा ग्रेजुएट शिक्षक चहुमुखी प्रतिभा की धनी अनुराधा शिकावत चुनाव मैदान में खड़ी है। क्षेत्र के और महिला मतदाता खुद इनके चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और शिक्षित एवं युवा महिला उम्मीदवार अनुराधा शेखावत को सरपंच बनाने के लिए आमजन को जागरूक कर रही है। सभी जाति समुदाय 36 कौम के मतदाताओं का इन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही बुजुर्ग मतदाताओं ने भी चुनावी चर्चा के दौरान न्यूज फ्लैश टीम को बताया कि आने वाले जमाना युवाओं का ही है। क्षेत्र के अधिकतर ग्राम पंचायतों में शिक्षित युवाओं को सरपंच के ताज पहनाकर ग्रामीणों ने एक नई शुरुआत की है। मतदाताओं के इस विश्वास को अपनी ताकत समझकर ये युवा गांव की तस्वीर बदल रही है। उत्साह से लबरेज महिला सरपंच उम्मीदवार अनुराधा शेखावत से जब बात की गई तो उन्होंने खुलकर कहा कि वे क्रांतिकारी रूप से गांव की व्यवस्थाओं में सुधार लाना चाहती हैं ताकि गांव का विकास का मॉडल बना सके। साथ ही सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का उनका सपना है। इसके अलावा वह हर घर में शौचालय का भी निर्माण करवाना चाहती है ताकि स्वच्छता अभियान का सपना सार्थक हो सके। इसके लिए गाँव की बदहाल सड़कों की मरम्मत भी और अब सड़कें कच्ची नहीं रहेगी उन्होंने कहा है। इसके अलावा विशेष कार्य योजना तैयार कर काम करना चाहती है। उनका मानना है कि गांव में स्वच्छता स्वास्थ्य साफ सफाई के अलावा लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिल सके इसके लिए उनका प्रयास जारी है। सरपंच उम्मीदवार अनुराधा शेखावत ने कहा कि वह आदर्श और निर्मल ग्राम पंचायत बनाना चाहती है। वे बताती है कि महिला जागरूकता के बिना विकास संभव नहीं है। गांव में बुनियादी सुविधाओं को तभी विकास हो सकता है। गांव के प्रत्येक घर में शौचालय बनवाए, किसानों को नई तकनीकी से जोड़े और क्षेत्र के वंचित जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री से जोड़ने, विधवा विकलांगों और बुजुर्गों को पेंशन दिलवाने, गरीबों को आवास दिलवाने, लेबर कार्ड बनवाने सहित राज्य और केंद्र सरकार की हर एक जनहित कल्याणकारी योजनाओं से पात्र जनों को लाभान्वित करवाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। गाँव के प्रत्येक घर में शौचालय बनवाने, किसानों को नई तकनीकी से कृषि के लिए प्रोत्साहन करने, क्षेत्र के वंचित जरूरतमंद परिवारों के राशन खाद्य सामग्री से जोड़ने, विधवा विकलांगों बुजुर्गों को पेंशन दिलवाने, गरीबों को आवास दिलवाने, लेबर कार्ड सहित राज्य और केंद्र सरकार की हर एक जनहित कल्याणकारी योजनाओं से पात्र जनों को लाभान्वित करवाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अनुराधा शेखावत ने आम मतदाताओं से 6 अक्टूबर 2020 को निष्पक्ष और निडर होकर ग्राम पंचायत के विकास के लिए अपने पक्ष में मत एवं समर्थन देने की अपील की। अनुराधा शेखावत ने बैलेट के क्रमांक नंबर 1 पर मशीन पर अंकित चुनाव चिन्ह बल्ले के निशान के सामने वाला बटन दबाकर विजय बनाने की अपील की। याद रहे कि अनुराधा शेखावत के समर्थन एवं चुनाव प्रचार में देवाराम मेघवाल, ताराचंद सेन, पूर्व उप सरपंच तेजाराम भामू, विक्रम वैष्णव, नरेश भामू, नश्रवण राम लोचब, सोनाराम धेड़, गोपाल सिंह, महेंद्र सिंह, राम गोपाल सिंह, उगमा राम, वरिष्ठ राजनेता बजरंग सिंह रायथलिया, पूर्ण राम लोहार, पन्ना राम भामू, घनश्याम वैष्णव आदि जन उपस्थित थे। खड़ी हुई हूँ चुनाव। आप सभी मतदाताओं से निवेदन है कि 6 अक्टूबर को अधिक से अधिक अपना मत व समर्थन देकर मुझे सफल बनाए। मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला है, बटन नंबर 1 दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। ये मेरी नहीं आप सभी की जीत होगी। मैं सरपंच बनी तो ग्राम पंचायत के अधूरे कार्यों को भरपूर रूप से पूरा। न्यूज फ्लैश टीवी चैनल की टीम खड़ी है अनुराधा शेखावत के यहाँ पे कैंप में। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, 6 चुनाव मैदान में प्रत्याशी चुनाव मैदान लड़ रहे हैं आसरवा ग्राम पंचायत से। जी सर, क्या माहौल है? आप बड़े पुराने घाग राजनीति के रहे हैं, किस तरह का माहौल है, क्या कहना चाहोगे आप चुनाव को लेकर के? मेरा निवेदन है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, 70 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में आसरवा ग्राम पंचायत जितनी पिछड़ी हुई है, मेरे ख्याल से ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं होगी जो इतने जबरदस्त रूप से पिछड़ी हुई है। चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे कोई सफाई की व्यवस्था हो, स्वच्छता अभियान को ले लें। आज भी यहाँ पे स्वच्छता अभियान की बात करें तो ये ग्राम पंचायत काफी हद तक पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत है। 6 कैंडिडेट हमारी ग्राम पंचायत के अंदर खड़ी हुई है। इनमें से जहां तक मैं समझ पाया हूं, अनुराधा शेखावत ही एकमात्र कैंडिडेट है जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है 6 कैंडिडेटों में से। आप पत्रकार की हैसियत से आप अच्छी तरह से समझते हैं कि शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब कैंडिडेट स्वयं शिक्षित ही नहीं होगा तो आगे क्या विकास करवाएगा।
पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत को आगे कैसे लाएगा, इसलिए मेरा इस युवा टीम के साथ में मिलकर के पुरजोर मेरी कोशिश रहेगी कि इस ग्राम पंचायत के अंदर अनुराधा शेखावत वाइफ ऑफ जितेंद्र सिंह रायथलिया जीते और इस ग्राम पंचायत का चहुमुखी विकास करे, ऐसा मेरा अनुरोध भी है लोगों से और ऐसी मेरी आशा भी है, क्योंकि जितेंद्र सिंह शेखावत जितेंद्र सिंह राठौड़ स्वयं अनुराधा शेखावत के पति जो हैं वो पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, युवा जोश के साथ में और 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाले कैंडिडेट हैं, इसलिए मैं जहां तक इस जनता से अनुरोध कर रहा हूं, मेरा निवेदन रहेगा जनता से कि इस युवा जोश को आगे लाए जिससे हमारी ग्राम पंचायत का विकास हो, चहुमुखी विकास की ओर हमारी ग्राम पंचायत बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है जनता से। आपके प्रत्याशी का मुख्य मुकाबला किससे होगा? हमारे प्रत्याशी का मुख्य मुकाबला आसरवा के जो 4 कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से एक ऐसी कैंडिडेट है जो देखने में तो सबसे पीछे हैं, लेकिन मुकाबला उनसे रहेगा हमारा। ग्राम पंचायत से अगर ये सरपंच चुने जाते हैं जी, तो सबसे पहला तारातन सेन। तारातन जी सेन, क्या माहौल आपका चुनाव यहाँ पे? अच्छा सर। अच्छा है। किसके पक्ष में समर्थन में आप प्रचार कर रहे हो? अनु शेखावत। अनुराधा जी शेखावत के पक्ष में आप प्रचार कर रहे हो? आप उम्मीद अनुराधा जी जीतेंगे? अगर वो जीत जाएंगे तो आप उनसे क्या चाहते हो, गांव का विकास? बस पूरा गांव का विकास करते, पूरी पंचायत से साकेले। क्या नाम है सर आपको? तेजाराम नाम है। तेजाराम जी, कई चुनावी माहौल है आसरवा को? चुनाव माहौल बढ़िया है सर, आपने तो जीत सिंह जी के पक्ष में वोट दिया, अनुराधा जी समझो, जयसुन जी समझो। कई कारण के पक्ष में वोट क्यों दो आप, कई कारण? कारण ये है विकास करी अच्छी हो, पढ़े लिखे आदमी है और आगे भी जान पहचान है, विकास करी सर। पहली आपका रियोड़ा सरपंच वगैरह? हाँ, पहली सरपंच रियोड़ा है। कार्यकाल में आपको विकास कार्य कराया गाँव को? हाँ, कुछ कराया यार, ऐसी बात को नहीं कराया। रघुवीर सिंह राठौड़ नाम है सर। राठौड़ साहब, बड़े जोश जुनून में हो चुनाव को लेकर के, आप युवा जोश के साथ है? युवा जोश के साथ में है। हाँ, क्या चाहते हैं युवा? युवा ये चाहते हैं जो पढ़ा लिखा हो अच्छा, उसको विजय बनाए। आपको उम्मीदवार की क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन ये उम्मीदवार है जो बीए किया हुआ है, बीए है ये महिला कैंडिडेट जो बीए है? बीए जी। युवा और शिक्षित पहला उम्मीदवार था, हमें ये पता है कि ये बीए है, इनको मतलब सारी मतलब जो भी है समस्या इनका पता है कि गांव में क्या समस्या है, कैसी समस्या है, कैसे किस साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छे उम्मीदवार हैं, इनको पता भी है, पढ़े लिखे भी है, इनके आगे जानकारी भी है। क्षेत्र विकास के लिए युवा उम्मीदवारों को आप चुन? सरवन है और हम अनुराधा शेखावत जी के पक्ष में वोट देना चाहते हैं। तो युवा टीम पूरी इनके साथ लगी हुई है? हाँ, इनके साथ लगी हुई है और आगे का भविष्य भी सुधारना है और इनकी जीतू सिंह के आगे भी जानकारी बहुत है, जानकारी के पीछे भी विकास होगा, इसलिए हम। आपकी नजर में कितने युवा मतदाता इस पंचायत के अंदर है? पूरे जितना हो कितने मतदाता आपको जानकारी में है? जानकारी के अंदर सब है। क्या जानकारी आपको, कितने मतदाता युवा? आप युवा टीम है, युवा टीम साथ में, युवा टीम पूरी साथ में, लेकिन कितने मतदाता आपके यहाँ पे? 1000 करना चाहोगे आप? मेरा नाम विक्रम चंद है, हमारी ग्राम पंचायत आश्रम में वोट होने जा रहे हैं, 6 तारीख को वोट है, तो हम हमारे जो युवा पीढ़ी है इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा पक्ष अनुराधा शेखावत की ओर है, पूरा युवा पीढ़ी पूरी अनुराधा शेखावत की तरफ है और सर समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं, इसीलिए सभी इनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या विकास और मुख्य मुद्दा यहाँ पे है? मुख्य मुद्दा है युवा चाहिए, अनुराधा जी सरपंच बनते तो कौन सा आपका लक्ष्य है, क्या आप उनसे मांग करते हैं? पहला कौन सी ऐसी समस्या जिसे आप बताना चाहोगे? समस्या है सबसे बड़ी है बेरोजगारी की, बेरोजगार सबसे बड़ी समस्या, उनको एक सही रास्ता दिखाए, जो बेरोजगार है युवा लोग उनको एक अच्छी राह पर ले चले, यही है हमें तो उम्मीद और क्या है। और गांव में जैसे डाणिया है गांव में और भी छोटे मोटे काम जैसे नालियां हैं, सड़कें हैं, उनका विकास नहीं हुआ है तो उनका भी हमें उम्मीद है, उम्मीद ने हमें करवाना ही है काम और उनको जीतना भी है, यही है हमारा काम। तो पूरे कार्यकाल जो रहा सरपंच का उसको लेकर अभी कोई टिप्पणी क्या? हमें पता है, आपको भी पता है कि पिछले सरपंच जो भी आया 7 साल में क्या काम किया क्या नहीं किया, हमें एक युवा सरपंच की उम्मीद है, लगाए बैठे हैं। रामदेव जी, आपको ग्राम पंचायत चुनाव हो रहा है, किसी ग्राम पंचायत आपकी? आसरवा। कितना कैंडिडेट खड़ा है? 6। तो आप किसे समाज बिलोंग करो, किस समाज आपको? देवार।
तो मेघ और समाज समर्थन की साइड में कह के बचो आप कौन ने बोल दे आप लोग अनुराधा शेखावत इंदर सिंह क्या माहौल है चुनावी यहाँ पे बहुत बढ़िया अनुराधा का अनुराधा इसकी टक्कर किससे रहेगी आपके